शहर का वर्षों पुराना फूल बाजार आज से नए हॉकर्स जोन पर लगेगा। पिछले दो दिनों से प्रशासन की टीम इसे खाली करने की कवायद में जुटी हुई थी। आज सुबह निगम का अमला जेसीबी के साथ फूल बाजार पहुंचा और यहां से दुकान हटवाने की कार्रवाई शुरू हुई। वर्षों से फूल गली में फूल माला इत्यादि की दुकानें लगती रही हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण इस क्षेत्र में अक्सर रोड जाम हो जाया करता था। वहीं बारिश के दिनों में भी नाला चौक हो जाने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता था, लेकिन लोगों को अब यह समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। फूल गली की दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम का अमला और अतिक्रमण दस्ता सुबह से ही मौके पर पहुंच गया था। SDM संजीव केशव पांडे और निगम उपायुक्त दिनेश चंद मिश्रा भी मौजूद रहे। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रोड के दोनों किनारों को बंद कर दुकानें तोड़ने की शुरुआत की। इसके बाद दुकानदार खुद ही अपनी दुकानों को तोड़ने लगे। कुछ मजबूत बने लोहे के एंगलों को JCB के सहारे से भी तोड़ा गया। अरे मर जाएंगे फिर क्या करोगे? अरे तो नहीं लगेगा, नहीं तो करो आपने, हम मरने के लिए खुद चल रहे हैं। चालू करो आले जरा सर, हमारी भी जान प्यारी है हमको। क्यों ना जरा आपको क्यों ना जरा बोलते हैं उधर वाले हेलो हां चल 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 पहले दाधीज पार्क और अब फूल बाजार हटने के बाद पूरा क्षेत्र अलग नज़र आ रहा है। नगर निगम की प्लानिंग यहां पार्किंग बनाने की है। खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।